तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टार मैक्स 8 स्टैंडर्ड का, ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है इसका पहला चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें रेशनल नंबर जो दिया है, इसका पहला वाला जो चैप्टर दिया है, पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन वगैरह दिया है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। इसी को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। तो इस बुक को मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ एक्सप्रेस -42/98 एस आर रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7, यानी हमको इसको काटना है। काटने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा डिनोमिनेटर में वो आंसर 7 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बुक को मैंने थोड़ा साइड में रख दिया, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है -42/98, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 14 के टेबल से काट देते हैं, 14 3 जा 42, 14 7 जा 98। तो फाइनल आंसर -3 और 7, डिनोमिनेटर में 7 चाहिए था, मिल गया, ठीक। और इसी का सेकंड क्वेश्चन कर देते हैं, इसमें जो दिया हुआ है 24 30, इसका जो न्यूमिरेटर होना चाहिए, न्यूमिरेटर में 4 आना चाहिए। तो चलो काट देते हैं 6 से 6 5 जा 30, 6 6 जा 6 4 जा 24, तो 4 5, न्यूमिरेटर में 4 आ गया, यानी हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कंपेयर दी फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया है कंपेयर करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आप क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए, मैं इसको बुक में साइड में रख के इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कंपेयर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक, मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला सम दिया हुआ है -3 और 8 दिया हुआ है ना, एंड -5 और 9 दिया हुआ है ना। तो पहला सम हमारा कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम बर्बाद ना करते हुए इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्रॉस करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27 आगे, सेकंड वाला इसका इधर 8 5 जा 40, ये दोनों में बड़ा, अगर पहला वाला बड़ा हुआ तो इस साइड लगेगा, अगर दूसरा वाला बड़ा हुआ तो इस साइड लगेगा। तो इसमें पहला वाला बड़ा है यानी इस साइड लगेगा, ठीक, इस साइड लगेगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, टाइम पास ना करके फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया है 6 -11 एंड -7 एंड 12। अभी देखो जो भी हमारा माइनस होना चाहिए वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए, लेकिन इसमें तो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे। तो 6 1 जा 6 माइनस में आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 1 जा 11, अभी सही बन गया। अब इसको लोग हम इसको अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, माइनस सिर्फ ऊपर होना चाहिए, ठीक। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर 12 6 जा 72, इसका इधर 11 7 जा 77, ये दोनों में बड़ा कौन सा हुआ, पहला वाला छोटा, क्योंकि दोनों अगर निगेटिव है तो छोटा नंबर ही बड़ा नंबर होता है, तो पहला वाला बड़ा हुआ यानी आंसर इस साइड आएगा, ठीक है।
ठीक, ये हो गया। उसके बाद अभी हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8/ जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 8/-15 एंड -2, ये सम दिया हुआ है। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस दिया है नीचे, हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस को ऊपर लाना पड़ेगा। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस से ऊपर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 बन जाए 15 एंड -2 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, -8 बन जाओ 1 कितना हो जाएगा, -8, इसका इंटू इधर 15 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 15 2 जा -30, ठीक। अब -8 बड़ा है कि -30 बड़ा है, ऑफकोर्स -8 बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा हुआ है, ठीक। तो इसको लिखेंगे 8/-15 बड़ा है किससे, -2/1 से, ठीक ऐसा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, -4 5 एंड 5 -8। अभी देखो इसमें भी जो डिनोमिनेटर है इसमें -8 दिया हुआ है ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, है ना। तो नीचे का माइनस को ऊपर करेंगे, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, इसको करने के लिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है ना, ठीक। तो -4 5 एंड -5 -8, ये क्वेश्चन बना। अब इसको मैं इधर जगह नहीं है, मैं इसको पीछे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। -4 5 और -5 8 है ना, ये दिया है, मैं इसको पीछे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। -4 5 एंड -5 और 8, ये हमारा जो सम दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई इधर कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, इसका मल्टीप्लाई इधर 5 5 जा 25, दोनों बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये वाला बड़ा हो गया, दूसरा बड़ा है यानी इससे रहेगा, ठीक है। चलो ये चारों सम हमारे जो थे, ये चारों सम सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये वाला सम देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है इसको जरा अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय, यहाँ पे देखो कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स बाय मेकिंग लाइक टर्म, इसको क्या करना है, मेकिंग लाइक टर्म से इसको सॉल्व करना है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बिना टाइम पास किए, ठीक। तो आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, मैं बगल में रख के इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो चलिए ठीक है, इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, मेकिंग लाइक टर्म से, मेकिंग लाइक टर्म मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन दिया है -3/14 एंड -5/21, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसको एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। तो नीचे का और ये वाला यहाँ पर लिखना है, और 21 इसको क्या करते हैं 7 से उड़ा देते हैं, 7 2 14, 7 3 21, ठीक। तो अभी ये 7 लेना है, ये 2 लेना है और ये 3 लेना है। 7 2 14 और 14 3 42 है ना। चलो ठीक है, पहले वाला लेते हैं 3 14। अभी 14 के टेबल में 42 कितने टाइम पे आता है, 14 के टेबल में 42 कितने टाइम पे आता है, 14 3 जा है ना, 14 3 जा 42 मल्टीप्लाइड कर दिया, 3 3 जा 9 42, ठीक। अभी ये वाला लो, अभी ये लेकर यहाँ पे लिख दिया, अभी ये वाला लो -5 21। 21 के टेबल में 42 कितने टाइम पे आता है, 2 टाइम पे, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाइड करो, ठीक। 5 2 जा 10, 21 2 जा 42। अभी दोनों में बड़ा कौन सा हुआ, ऑफ कोर्स ये बड़ा हुआ है ना, छोटा नंबर बड़ा नंबर होता है, तो इसमें ये आ जाएगा 3 14 ग्रेटर देन 5 21, है ना, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे दिया है -5 upon 12 एंड -7 upon 15, ये दिया है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए एलसीएम फटाफट इसको निकाल के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका जो है मैं एलसीएम यहाँ पे निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे निकालता हूँ 12 और 15 का, यहाँ पे लिखा 12 और यहाँ पे लिखा 15, ठीक। इसका एलसीएम निकालता हूँ 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। कितना हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, है ना, ओके। तो पहला वाला ले लेते हैं -5 12 को मल्टीप्लाई करना है, 12 के टेबल में 60 कितने टाइम पे आता है, 5 टाइम में, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 60। सेकेंड वाला ले लो, 15 के टेबल में 60 कितने आता है, कितने टाइम पे आता है, 4 टाइम में, है ना। 15 4 जा 60, 7 4 जा 28, 15 4 जा 60। अब ये दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, ऑफ कोर्स पहला वाला, है ना। तो ये इस साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -5 12 इज ग्रेटर देन -7 15, ठीक है। ये दूसरा वाला भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे यहाँ पे, तीसरा सम, ठीक है। तीसरा जो सम है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं तीसरा सम। तीसरा सम दिया है 8 - 8 13 एंड 10 - 39। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस दिया है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी नीचे का माइनस ऊपर को करना, ऊपर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला वाला वैसे ही लिखना है, एंड इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाइड करते हैं, है ना। तो चलो कर देते हैं, पहला वाला वैसे लिख रहा हूँ, 10 1 जा 10 माइनस लगा के 39 1 जा 39। अभी नीचे का माइनस ऊपर ट्रांसफर हो गया, अभी एलसीएम निकाल के कर देते हैं अपन, ठीक है। चलो एलसीएम बगल में निकाल लेते हैं, 13 और 39 का एलसीएम, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 13 से निकाल लेते हैं, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, 13 1 का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 3 ले लो, 13 3 जा 39,
चलो ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन लिखा जाए। 13 के टेबल में 39 कितने टाइम पे आता है? 3 टाइम पे, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाइड। 8 3 जा 24, 13 3 जा 39। ठीक, दूसरा वाला ले लो, ये सॉरी ये वाला। अब ये लिया, अब ये ले लो, -8/39। 39 के टेबल में 39 कितने टाइम पे आता है? 1 टाइम में, 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। 8 1 जा 8, 39 1 जा 39। ये दोनों में बड़ा कौन सा हुआ? सेकंड वाला, तो इस साइड आएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 13, बड़ा है इस, ठीक है, ऐसा ये सॉल्व हो गया। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है उसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखना है 9 16 एंड 7 32। इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं साइड में, इसको जरा ऐसा, इसका जो दिया है एलसीएम मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इसका। ठीक है, ये क्या है 16 और 32 का, यहाँ पे 16 और 32, इसको 8 से निकाल देता हूँ या फिर 16 से निकाल देता हूँ। 16 में जाए 16, 16 2 जाए 32, है ना। तो यहाँ से 16 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, कितना हो जाएगा 32, है ना। चलो पहला वाला यही वाला सॉल्व कर देता हूँ। 9 16, 16 के टेबल में 32 कितने टाइम पे आता है? 2 टाइम पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 2 जा 18, 16 2 जा 32। अब ये ले लो, 32 के टेबल में 32 कितने टाइम पे आता है? 1 टाइम में, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 32 1 जा 32। दोनों बड़ा कौन सा हुआ? ये बड़ा हुआ पहला वाला, तो पहले वाले के साइड में जाएगा। तो इसको ऐसा लिख देंगे, ऐसा, ठीक, ऐसा सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये चारों सम जो था हमने सॉल्व कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख लो, ये चारों सम जो था मेकिंग लाइक टर्म वाला, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के इसको भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th का। ठीक है, तो सॉल्व